हेलो एंड वेलकम टू स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन। मेरा नाम यशदीप मलिक है। हमारे पास रिसेंटली काफ़ी कॉल्स आप लोगों की आई हैं, हमारे क्लाइंट्स की आई हैं, जो ये पूछना चाह रहे थे कि सर जो सर्बिया कंट्री है यूरोप में जो वीज़ा ऑन अराइवल देती है इंडिया को, उसका क्या प्रोसेस है, वहाँ पे जाने की क्या कंडीशंस हैं, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, इमिग्रेशन की क्या इश्यूज़ हैं, और कुछ केसेस में डिपोर्टेशन हुई है उसके पीछे क्या रीजंस है, वहाँ पे जाना जो है वहाँ पे जाने से क्या हम किसी और कंट्री में जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर क्या एक्सपेंसेस आते हैं, कौन सी फ्लाइट जाती है, कितने दिन के लिए जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। बहुत ही छोटी वीडियो है, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज वीज़ा को लेकर, ट्रैवल को लेकर, पूरी दुनिया को लेकर हम आप तक लाते रहते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कंसर्न हो वीडियो के एंड में, तो आप उनको मैंशन करें, उनका रिप्लाई करेंगे। तो आइए जानते हैं। अगस्त 2017 को पिछले साल यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ सर्बिया के बीच में पैक्ट साइन हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उन्हें सर्बिया में वीजा फ्री एंट्री मिलनी थी, यानी वीजा ऑन अराइवल मिलना था, और ये वीजा ऑन अराइवल 30 दिनों के लिए था, और इसी कुछ कंडीशन रखी गई थी कि वीजा ऑन अराइवल की कुछ सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है। और ये रूल जो इम्प्लीमेंट हुआ था 2nd of September 2017 पिछले साल को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ये खबर जो थी बहुत ट्रैवल इंडस्ट्री में बड़ी स्पीड से फैली, और जो सर्बिया जो ऑलमोस्ट हम मतलब काफ़ी सारी पॉपुलेशन को पता ही नहीं था कि सर्बिया की लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है, यूरोप में है भी या सर्बिया ही कोई कंट्री है, शायद हम लोगों को नहीं पता था। तो उसकी वजह से सर्बिया बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि यूरोप की एक कंट्री इंडियंस को अगर वीजा ऑन अराइवल देती है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। तो हुआ क्या था उसके बाद, उसकी कंडीशंस क्या है? तो उसकी कंडीशंस ये थी कि सबसे पहले आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अगर आप सर्बिया जाते हैं तो आपके पास वापसी की टिकट होनी चाहिए, वन वे नहीं चलेगी। या अगर आप सर्बिया से किसी दूसरी कंट्री में भी जा रहे हैं तो उस कंट्री का वीजा आपके पास होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये। दूसरा, आपके पास कंफर्म्ड होटल वाउचर होने चाहिए। एक अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो पूरे 10 दिन के लिए कंफर्म होना चाहिए, नहीं कि वो 2-3 दिन के लिए कंफर्म हुआ हुआ है, क्योंकि वहां पे इमिग्रेशन क्रॉस चेक कर सकती है। थर्ड, आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए वहां पे आने के लिए। आप कितना कैश वहां पे जरूरी है, देखिए वहां पे यूरो नहीं चलता सर्बिया में, वहां पे उनकी लोकल करेंसी चलती है, लेकिन यूरो एक्सचेंज होता है। तो आमतौर पर एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको कहूं तो पर पर्सन पर डे का एक्सपेंस वो 100 यूरोस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर आप एक कपल हैं, दो लोग हैं सुपोज करें, और वहां पर आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास 1000 यूरो मिनिमम होने चाहिए। अगर आप 4 की फैमिली वहां पे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपके पास 2000 यूरो मिनिमम होने चाहिए। ये तब होने चाहिए जब आपके होटल पेड हो, जब आपकी फ्लाइट पेड हो, ट्रांसपोर्टेशन साइट सीइंग जो भी आप चाह रहे हो फुली पेड हो, उसके बाद इतना कैश आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज वो देख सकते हैं, ये अगर इस कैश कम होगा तो उसमें वो क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, आपके लिए ट्रबल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास काफी बार हमें ऐसे भी सुना था कि कुछ लोगों के पास कम कैश था लेकिन उनको भी वो उन्होंने पास थ्रू दे दिया था, लेकिन ये हर एक के साथ नहीं हो सकता, वो आपको रोक सकते हैं कम कैश में भी। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है आपने कि आपके पास प्रॉपरली कैश हो, होटल वाउचर्स हो, एटिकेट्स हो, और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आइटनरी हो। तो ये इसकी कंडीशंस थी। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो यू आर वेलकम इन सर्बिया। तो ये पिछले साल कंडीशंस बताई गई थी, लेकिन 2018 में अगर मैं आपको बात करूं, रिसेंटली मंथ की बात करूं, लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी जो चल रहा है, बहुत सारे सर्बिया से डिपोर्टेशन के केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे। तो हमने हमारे पास जैसे हमारे दूसरे ट्रैवल पार्टनर्स जो हैं वो बताते हैं, या हमारे क्लाइंट्स बताते हैं कि यार सब कुछ था, फुली पेड होटल भी था, फुली पेड टिकट भी थी, फिर भी वो लोग आई डोंट नो कि उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, पूरा कैश भी था, सब कुछ था, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कोई उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सीधा फॉर्म दे दिया, साइन इट आप, और साइन नहीं करोगे तो थोड़ा सा उन्होंने वॉयलेंट बिहेवियर भी कुछ ट्रैवलर्स के आगे शो किया है, और उसके बाद वो आपके पासपोर्ट में स्टैम्प लगा देते हैं, उस पर कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखा होता, लेकिन उस स्टैम्प का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे एंट्री डिनाई कर दी गई है। और उसके बाद वो कोई अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, एक तो थोड़ा सा लैंग्वेज का भी
है कि बहुत ज्यादा वो लोग इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होते, लेकिन उनकी लैंग्वेज इतनी सफिशियंटली होती है कि वो आपकी बात समझ सके और आपको भी अपनी बात समझा सके। तो उसके बाद भी क्या रीजन रहे हैं कि डिपोर्टेशन के केस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं? तो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी, हमारे कुछ ट्रैवलर्स हैं उन्होंने हमें बताया था, जो वहाँ पर गए हैं हमारे जो सर्कल में हैं उन्होंने बताया। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सर्बिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं उन्होंने ही शेयर करी है कि आपके इंडिया से जो 90% वीज़ा ऑन अराइवल केसेस आए हैं पिछले एक साल में वो वापस नहीं गए हैं, सिर्फ 10% ही वापस गए हैं। इसकी वजह से वो थोड़े से ज़्यादा सख्त हो गए हैं, इसकी वजह से वो जो जेन्युइन केसेस हैं उसमें भी इतने ईजिली पास थ्रू नहीं दे रहे हैं, इतनी ईजिली से वो जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है क्योंकि ज्यादातर लोग तो ठीक मोटिव से जाते हैं, लेकिन जब सर्बिया जा रहे हैं तो वो इस तरीके से वहां पे वो उनको लगता है हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, या सर्बिया यूरोप का पार्ट है तो हम कहीं भी चले जाएंगे या वहीं पे थोड़े दिन छुपके रह लेंगे। तो ये चीज का जो खामियाजा है ये बाकी जो जनरल पॉपुलेशन है जो वहां पे अच्छी नीयत से जा रही है उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन एज ऑफ नाउ तो यही है कि वो बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं इमिग्रेशन में और वो मैक्सिमम केसेस को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो अब फिर क्या करना चाहिए सर? ये बताने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या हम सर्बिया जाकर किसी और यूरोप की कंट्री में जा सकते हैं? आप जा सकते हैं अगर आपके पास वीजा है, नहीं तो नहीं जा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्या सर्बिया में जाने से वहां का हमें रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा या वहां की हम सिटीजनशिप ले सकते हैं? देखिए वीजा ऑन अराइवल में ये क्लॉज नहीं होते, बाकी वहां जाके लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल एजेंट में ये मिस इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा सकता। तो इस चीज का थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका मेन पर्पस ये है कि आप वहां पे जाके इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तो क्यों ना आप इमिग्रेशन यहीं से अप्लाई करके जाएं ताकि वहां जाके आपको प्रॉब्लम ना होए। और वहां फिर हम किसी ने पूछा कि क्या वीजा ऑन अराइवल पे जाके मैं काम कर सकता हूं? तो सॉरी आप काम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल इलीगल है। अगर उन्होंने आपको किसी भी एम्प्लॉयमेंट में देख लिया या पकड़े जाते हैं तो आपको वो डिपोर्ट तो करेंगे ही, साथ में आपको ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे, आप फ्यूचर में एंटर भी नहीं कर पाओगे। और तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर थे जो हमें बहुत लोगों ने पूछा, तो हमने सोचा क्यों ना इसे एक वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसे मैक्सिमम लोग देख सकें। तो अब इसकी एज ऑफ नाउ दिसंबर 2018 में वीजा ऑन अराइवल की एक्चुअल सच्चाई है क्या? अगर वहां पे इतना ही टफ इमिग्रेशन हो गया है तो क्या वहां पे जाना सेफ है? ऐसा तो नहीं कि हम इतनी महंगी टिकट लेकर जा रहे हैं, सब कुछ होटल बुक करके जा रहे हैं, यूरो खरीद के जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना जाते हैं और वहां पे वो डिपोर्ट कर दें? इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ जो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। जैसे टिकट्स आपने अपना बुक कराया, होटल आपने बुक कराया, कैश आप लेकर जा रहे हैं, उसके बाद जो अगली चीज वो देखते हैं वो देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए सीधी सी बात है, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, हो सकता है इस एग्जांपल से आपको आइडिया मिल जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक लग्जरी कार का ब्रांड है रोल्स रॉयस है, जिनकी गाड़ियां 3-3.5 करोड़ से शुरू होती है। तो रोल्स रॉयस एक ऐसा ब्रांड है कि वो हर एक को गाड़ी नहीं देता, 3.5-4.5 करोड़ लेके लोग वहां पर जाते हैं और वो डिनाई भी कर देते हैं कि नहीं सॉरी हम आपको गाड़ी नहीं दे रहे हैं। वो बैकग्राउंड चेक करते हैं अपने बायर की, क्योंकि वो रेपुटेशन साथ में अटैच कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के कि रॉल्स रॉयस की रेपुटेशन इतनी लो नहीं है कि इसे कोई भी खरीद के चला जाए। वो आपकी बैकग्राउंड चेक करेंगे, वो देखेंगे कि ये पैसा जो है आपके पास इलीगल मीन से तो नहीं आया। कमाल की बात है ना, कार मेकर्स ये चीज देख रहे हैं, ये तो इनकम टैक्स वालों का काम है, लेकिन वो भी देखते हैं, वो आपसे बैंक अकाउंट भी मंगवा सकते हैं, आपकी आईटीआर की स्टेटमेंट भी आपसे मंगवा सकते हैं। वो देखेंगे जो आपने उनको 3.5-4 करोड़ रुपए दे रहे हो क्या वो वाइट है कि नहीं है, क्या आपका काम ठीक है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कोई आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और या हवाला ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है और आप फिर उनकी गाड़ी ले रहे हैं तो उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, अच्छे लोग लेना बंद कर देंगे फिर। तो ये सारी चीजें देखते हैं, कोई और कार ब्रांड हमारी नॉलेज में ऐसा अपना नहीं है जो ऐसी चीजें देखता होगा। तो सर्बिया भी कुछ कुछ ऐसे ही देखता है, वो जब आप अपनी चीजें लेकर जाते हैं वहां पे तो ये नहीं कि सिर्फ होटल वाउचर आपने दे दिया, टिकट दे दिया, कैश आपके पास है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से जज कर लेंगे कि आपके आने का रीजन क्या है। वो आपको देखते ही ये जज करना शुरू कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वापस नहीं जाएंगे। वो बहुत चीजें देखेंगे, सिर्फ आपके पहनावे, आपका सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट नहीं, आपके पहनावे को भी देखेंगे, आपके लुक्स को भी देखेंगे,
आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को जज करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज को जज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये सब सच है, इसलिए इतने ज्यादा डिपोर्टेशन के केसेस हो गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे उनको डाउट होता है वो डिपोर्ट कर देते हैं, और उनको डाउट हो ही रहा है क्योंकि 90% से लोग ज्यादा जब जा ही नहीं रहे तो डाउट होना ही है। तो चलिए, ये तो सर्बिया को पहले भी पता होगा कि जब आप इंडिया जैसी कंट्री को वीजा अराइवल दे रहे हैं तो ऐसा होना ही होगा कि लोग आएंगे वापस नहीं जाएंगे, वो वैसे भी मेंटली प्रिपेयर होंगे शायद, उसके अलावा क्या रीजन हो सकता है फिर उन्होंने वीजा अराइवल दिया है क्यों। अब इसके अलावा जो दूसरा रीजन हमारी रिसर्च में आया वो ये है कि सर्बिया काफी टाइम से यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहता है, और काफी टाइम से वो इसके लिए अपनी लॉबी को यूरोपियन यूनियन के लिए एक्टिवेट करता रहता है, अपने लिए काफी ज्यादा वहां पे काम करता है, बहुत ज्यादा प्रमोशन करता है कि सर्बिया को आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनाए। एज ऑफ नाउ सर्बिया ना ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और शेंगन का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजें यूरोपियन यूनियन में नहीं चलती, यानी वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन यूरोपियन यूनियन की यही होती है या शेंगन की यही होती है कि आप किसी कंट्री को वीजा ऑन अराइवल नहीं देंगे, इस कुछ कंट्रीज को छोड़ के वेस्ट की, बाकी सारे वर्ल्ड के लिए वो वीजा मांगते हैं। और कुछ और कंट्रीज जैसे मान लीजिए सिंगापुर वगैरह, तो इनको छोड़ देंगे तो बाकी सबके लिए वीजा मांगते हैं। तो सर्बिया की पहली कंडीशन थी आपको वीजा ऑन अराइवल शायद हटाना होगा, दूसरा आपको वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए सख्त होना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन रिसेंटली इमिग्रेशन को लेकर काफी सख्त हो गया है। तो सर्बिया अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए ये भी कर रहे हैं कि क्योंकि पूरे यूरोप में पता है कि सर्बिया ने जब से वीजा ऑन अराइवल दिया है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु आर कमिंग इनटू सर्बिया आर नॉट गोइंग बैक। ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, चाइना को भी सर्बिया ने वीजा ऑन अराइवल दिया हुआ है, और भी कंट्रीज को वीजा ऑन अराइवल दिया हुआ है, तो एशिया की काफी कंट्रीज को दिया हुआ है। तो उनके लोग वहां जाते हैं और वापस नहीं जा रहे हैं, उनमें से इंडिया भी है, चाइना भी है और भी है, तो शायद ये उनको यूरोपियन यूनियन को इम्प्रेस करने के लिए अब इमिग्रेशन इतना टफ कर रहे हैं कि उनको लगे कि भाई हम अब इमिग्रेशन फ्रेंडली नहीं रहे। तो एक पॉलिटिकल रीजन शायद ये भी हो सकता है। तो ये सिर्फ हमारे रिसर्च में आया तो मुझे लगा मैं आप लोगों तक ये शेयर करूं। अदरवाइज अगर आप सर्बिया का प्लान कर रहे हैं या आपके आपका कोई अगर ये रीजन है कि वहां जाके मैं काम करूंगा, वहां जाके मैं सेटल होऊंगा, या मैं वहां जाके किसी दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा, तो 99% चांसेस हैं वो आपको इमिग्रेशन वाले, इंडिया का आपने पास कर भी लिया तो वहां पर बेलग्रेड में पकड़ लेंगे और आपको वापस डिपोर्ट कर देंगे नेक्स्ट फ्लाइट से। और हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि हमारी रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है उनके चाकू अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, ना ही खाना पूछेंगे ना ही पानी पूछेंगे, और मतलब आप अगर आपने उनके जो डिपोर्टेशन पेपर पे साइन नहीं की या वहाँ पर जाके बोलते नहीं मैं नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसा 90s में बहुत हुआ है, 80s में बहुत हुआ है, यहाँ पे बोला जाता था वहां पर जाइए जैसे आपको डिपोर्ट करने करें बोलो मैं नहीं जा रहा, तो ये तब होता था। अब कोई अगर इंसान ऐसा करेगा तो उसके साथ बहुत वायलेंस बिहेवियर होगा, उसको मार भी पड़ सकती है वहां जाके। तो ऐसे अगर किसी इंटेंशन से कोई इंसान जा रहा है तो हमारी इनको राय है कि सर्बिया ना जाए, क्योंकि वहां पर अब ये चीजें इतनी आसान नहीं रही हैं, और अननेसेसरी आपके पासपोर्ट पे एक एंट्री डिनाइड की स्टैंप लग जाएगी जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट लीक हो जाएगा। और दूसरा, जो लोग जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं कि हम वहां पर ट्रिप करने जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये राय दूंगा कि या तो आप ऑल्टरनेट कंट्री देख लीजिए, या फिर मैं आपको दूसरी राय ये दूंगा कि जो जो पॉइंट्स मैंने पहले बताए आपको, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपना बॉडी लैंग्वेज, आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रांग करके जाएं कि उनको डाउट ही ना हो, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। तो वीजा ऑन अराइवल यूरोप के लिए एज ऑफ नाउ हम, मी पर्सनली, माई पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन इज कि वीजा ऑन अराइवल सर्बिया के लिए हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे, बाकी जैसे आपकी मर्जी, हम आपकी सर्विसेज पे हैं। पूरी दुनिया भर में कहीं का भी वीजा आपको चाहिए हो, कहीं भी आपने घूमने जाना हो, हनीमून ट्रैवल हो, फैमिली ट्रिप हो, बिजनेस ट्रिप हो, व्हाटएवर जो भी हो, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास बेहतरीन डील्स हैं। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैंशन करें, हम लोग रिप्लाई करेंगे, थोड़ा टाइम शायद ले सकते हैं लेकिन रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। अपना दम समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। Have a nice day. Bye-bye.